लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। महाराजगंज में हुई तोड़फोड़ को लेकर सपा नेता ने खोला विभाग के विरुद्ध मोर्चा। यूपी के जनपद महाराजगंज में बीते दिनों अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा सामान तितर बितर कर दिया गया था, जिसको लेकर व्यापारियों ने जमकर हंगामा काटा था। घंटों चक्का जाम हुआ, जिसकी वजह से 1 किलोमीटर तक दोनों तरफ जाम लग गया था। आज उसी मामले में सपा नेता दिलीप शुक्ला ने नगर के व्यापारियों संग बैठक किया और SDM से समस्या से संबंधित शिकायत की बात कही, तो वहीं जनपद के नेताओं भाजपा सरकार की व नगर पालिका प्रशासन को आड़े हाथों लिया। देखें और क्या कहा सपा नेता दिलीप शुक्ला ने। जो महाराजगंज के पटरी व्यवसायियों के साथ दुर्व्यवहार शासन प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा किया गया, उनके ठेले और खुमचों को सड़क पर गिरा दिया गया, उस पर लदे फल सब्जियां सब फेंक दी गई, यह कहते हुए कि ठेला खुमचा सड़क के पटरी पर नहीं लगेगा, नाले पर नहीं लगेगा। तो यह आंदोलन की एक तैयारी है। हम यह बताना चाहते हैं कि जो भी ठेला खुमचा जो जहां पे है वहीं पे उनका दुकान रहेगा और हमें वहां दुकान पर दुकान करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमें नगर पालिका या शासन प्रशासन के लोग कोई जगह दे देते हैं कि आप वो जगह है, आप अपनी मंडी वहां लगाइए, तो महाराजगंज के जितने भी पटरी व्यवसायी वहां जाकर के अपने पटरी को लगाएंगे, अपने दुकान को लगाएंगे और सड़क पर नहीं रहेंगे। लेकिन कोरोना काल में 1 साल की जो भूखमरी हुई, जो महामारी हुई, उसमें हर व्यक्ति, हर गरीब तबके का व्यक्ति कुचल करके रह गया है। उन्हें अपने पेट की जो है चिंता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता है, अपने अनाज की चिंता है, अपने खाने पीने की चिंता है। उस चिंता और उस जिम्मेदारी की वजह से वो व्यक्ति वहाँ ठेला खुमचा लगा रहा है। लेकिन जो शासन प्रशासन के लोगों ने काम किया है, बहुत ही निंदनीय काम किया है। और मैं इन पटरी व्यवसायियों की तरफ से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ के शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि आइंदा अगर कभी इन पटरी व्यवसायियों के साथ कुछ भी बदसलूकी हुई तो मैं शासन प्रशासन का ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। किसी भी हालत में इनके साथ अमानवीय कार्य, इनके साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कल 12 बजे हम लोग पूरे पटरी व्यवसायियों के साथ जाकर के DM ऑफिस के सामने उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप यह जो है किसी दबाव में आकर के किसी के पेट पर लात मारने का काम मत करिए। जय हिंद, जय भारत। जनपद महाराजगंज से मार्तंड गुप्ता की रिपोर्ट।